गोरखपुर से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां बस्ती पुलिस का एक दारोगा और दो सिपाही लूट के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। गोरखपुर से दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं जो कि बस्ती जिले के हैं। आरोप है कि दारोगा और सिपाही जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने सराफा कारोबारियों से 19 लाख रुपयों का सोना और 10 लाख नकदी की लूट की थी। ऐसे में पुलिस ने काफी छानबीन के बाद में मामले का खुलासा किया, लूट के सामानों की बरामदगी भी कर ली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दारोगा और सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लुटेरों का सरगना दारोगा निकला है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो पुलिस जो कि अपराध को रोकती है, जिनके कंधों पर अपराध को रोकने की जिम्मेदारी होती है, चोरी डकैती लूटमार हत्या बलात्कार इस तरह के तमाम चीज़ों को रोकने की, तमाम आपराधिक साजिश को बेनकाब करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। मगर पुलिस ही यानी कि राक्षस अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आप क्या कहेंगे, अगर रक्षक ही राक्षस बन जाए तो आप क्या कहेंगे, अगर मुहाफिज ही लुटेरे बन जाए तो फिर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिला बस्ती के दरोगा और सिपाही की गिरफ्तारी से कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है।